तो शशांक भी हमारे साथ कनेक्ट है पीर मुहानी से, क्योंकि जब पहला भट्टाचार्य रोड जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत होने, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में एक पड़ाव आएगा पीर मुहानी का, और शशांक के पीछे भी हम उसी तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, उतनी ही भीड़ उतना ही उत्साह। शशांक क्या दिखाएंगे आप वहां से? बिल्कुल, देखिए करीब 2 घंटे तक रोड शो चलेगा, शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस वक्त मैं यहाँ पीर मुहानी में मौजूद हूँ, पंकज से कहूँगा कैमरा पर्सन से आपको तस्वीरें दिखाएं। भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, सड़क के दोनों साइड बैरिगेटिंग कर दी गई है, लोग बैरिगेटिंग के पीछे खड़े हैं, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पटना साहिब से जो बीजेपी प्रत्याशी है रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से जो बीजेपी प्रत्याशी है रामकृपाल, उनके लिए प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करेंगे। कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। जो युवा है बहुत ज्यादा उत्साहित है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटना में कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है, पीएम आने वाले हैं, रोड शो शुरू होने वाला है, कितने उत्साहित है। ये इतिहास में पहली बार पाटलिपुत्र की धरती पे कोई आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री पटना की भूमि पे आए हैं, और इस बार पूरा मोदीमय पटना हो चुका है, और मोदी जी का समर्थन पूरा सनातनी हिंदू करने जा रहा है, और 400 पार क्या 500 पार भी हो जाएगा अगर ये लक्ष्य और ये माहौल बना रहा तो। क्या लगता है कि उनके आने से पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सारण, हाजीपुर सब में बीजेपी को लाभ हो जाएगा इस जी? जरूर जरूर, 40 में 40 इस बार, अब की बार 400 पार ये कन्फर्म है। मोदी को पहले कभी देखे कि नहीं? देखे थे न्यूज चैनल में, आज देखे आसाम सामने से देखे हैं। आप लोग कब से आगे खड़े हैं? हम लोग 2 बजे से, सुबह से आगे खड़े हैं, 6 बजे से हम लोग। क्या देख रहे हैं कितनी भीड़ है? देखेंगे भी, और मोदी जी से ही उम्मीद है कि बिहार में इंडस्ट्री भी लाएंगे, और किसी से है भी नहीं, क्योंकि बिहार जो है ना, अभी जिस तरह से मजदूर का फैक्ट्री हो चुका है, लेबर का फैक्ट्री हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैंडेट मिलेगा तो बिहार के लिए जिस तरह नितिन गडकरी ने सड़क बनाया है, उसी तरह जो है बिहार में इंडस्ट्री भी आएगा। आप लोग चाहते हैं उद्योग धंधे लगे, जो बिहार के बच्चे बाहर नौकरी करने जाते हैं, बाहर ना जाए, यही काम करें। इस पूरी भीड़ में अल्पसंख्यक समाज, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता रहा है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वही अल्पसंख्यक समाज सड़क पर किस तरीके से खड़ा है, कैसे इंतजार कर रहा है, वो अब हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। शशांक की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद आर्यन मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ पर, पीएम मोदी को देखने आए हैं, रोड शो को देखेंगे, हम लोग से बात भी करेंगे। ज्यादातर इसमें अल्पसंख्यक समाज के हैं, क्या नाम है? फयाज अली काजमी। रोड शो देखने आए हैं? जी जी, मोदी जी का विकास और उनका जो योजना है वो हम लोग को बहुत पसंद है, और मोदी जी आ रहे हैं इससे अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा खुशी है बिहार में। हम लोग को मोदी जी का विकास को देखना है, और विकास को ही देख करके आगे बढ़ना है। हम लोग के यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, और किसी तरह का कुछ नहीं, अगर रोड बना है तो सबके लिए बना है, रोड पर सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा समुदाय खड़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया है, उसका सबको फ़ायदा मिला है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता को उसका फ़ायदा मिला है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। हम लोग जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आज उनका खैर मकदम करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो शशांक की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें आपने सुना कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना की सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।